ये बच्चा मेरे घर में कहां से आया? वही तो हम भी पूछ रहे थे कि ये बच्चा तुम्हारे घर में आया कहां से? सर मुझे नहीं मालूम सर। ये तो वही बच्चा है जो किडनैप हुआ था। एक बात तो पक्की है सर कि कोई तो है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, और वो जो कोई भी है शायद अभी भी तुम्हारे घर के आसपास छुप के बैठा हो, नजर रख रहा हो हम पे। अभिजीत जाकर देखो जरा। कितना प्यारा बच्चा है, इसे किडनैप करने की कोई सोच भी कैसे सकता है। हैरान की बात ये है कि तुम्हारे घर में आया कहां से? हाँ सर, घर की चाबी तो सिर्फ मेरे पास है। वही तो, घर की चाबी तुम्हारे पास है, घर का दरवाजा बंद, फिर भी ये आया कहां से? घर की चाबी तुमने किसी को दे तो नहीं रखी थी? ओ बेटा। नहीं सर, नहीं सर, आसपास तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ, बच्चे को छोड़कर निकल गया, वो भाग गया। सर जल्दी से जल्दी इस बच्चे को इसकी माँ के पास भिजवा देते हैं, पता नहीं किडनैपर्स इसने कुछ खाने को दिया है कि नहीं। नहीं अभिजीत, ये बच्चा दया के पास दया के घर में ही रहेगा। मेरे घर में क्यों सर? ये जो भी ये ड्रामा कर रहा है वो चाहता है कि ये बच्चा तुम्हारे पास तुम्हारे घर में ही मिले, ताकि तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो सही ठहरे। मगर सर मैं दया, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। तुम क्यों हंस रहे? नहीं सर, वो मुझे लगा कि दया की शादी नहीं हुई है तो ये बच्चे की देखभाल कैसे करेगा सर? तो तुम देखभाल करोगे? हाँ सर, ये ठीक रहेगा, डॉक्टर तारिका भी आ जाएगी तो दोनों साथ में संभालेंगे बच्चे को। दया मजाक बंद, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, इस बच्चे को तुम ही संभालो। सर दया को फंसाने का प्लान उस बंगले में से ही शुरू हुआ है जहाँ पे खबरी ने दया को बुलाया था। इस बच्चे के बाप गगन की लाश वहाँ पे मिली, पर बाद भी वहीं पे था सर। अगर कुछ सुराग मिलेगा तो उस बंगले में ही मिलेगा। हाँ अभिजीत, बंगले में ही चलते हैं। दया सर, संभल के रहना सर। कुछ मिला अभिजीत? नहीं सर, पूरा गार्डन यहाँ वहां सब जगह खोद डाला है, प्रभात की लाश कहीं नहीं मिली। Damn it! अगर इस प्रभात की लाश मिल जाती ना तो कितना आसान हो जाता दया को बेकसूर साबित करने के लिए। सर दया ने खुद कहा था उसने प्रभात को यहीं पे गोली मारी है, तो लाश गई तो गई कहाँ? कोई छोटी मोटी चीज तो आईने के कोने में छुपा के रख दी। वही तो मालूम है अभिजीत, मालूम है, लेकिन अभिजीत मेरा दिल कहता है कि हमसे कुछ छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है। अगर कोई छोटा मोटा सबूत भी मिल जाए ना तो दया को बचाने के लिए तिनके का सहारा बन सकता है। अभिजीत जहां पर गगन की लाश मिली वहां पर चलो, चलो आ जाओ जल्दी। अभिजीत सर, अभिजीत ये है गगन का सूखा हुआ खून। अब एक मिनट, एक मिनट। अगर गगन यहां पर खड़ा था और उस पर गोली चली तो गोली लगते ही उसके शरीर में से जो खून निकलेगा उसकी चीटें इन दोनों दीवारों पर तो उड़नी चाहिए। यहां देखो दोनों दीवार पर एक भी खून का चीटा नहीं। कैसे? क्या खूनी ने दोनों दीवारें अच्छी तरह से साफ कर ली? साफ कर दिए होंगे तो क्या हुआ सर, हमारे पास स्प्रे है ना, उसे मार के देख लेते दीवार पे खून था या नहीं। हा?
क्या अभिजीत, कहीं पर भी खून का एक भी छींटा नहीं ना? नहीं सर। इसका मतलब समझ में आ गया? हाँ सर, गगन यहाँ पे खड़ा नहीं था, जब उसे गोली लगी लेटा हुआ था यहाँ पे, बेहोश लेटा हुआ था। अभिजीत, गगन कहीं और बेहोश पड़ा था, खूनी ने उसे वहां से लाकर के यहाँ डाल दिया और फिर उस पर गोली चलाई। मगर किसकी गन से गोली चलाई? दया की गन से। दया वहां पर बेहोश पड़ा था, खूनी ने दया की गन ली और यहां आकर के गगन को गोली मारी और सारा इल्जाम हमारे दया पर आ गया। लेकिन कहां पर रखा था गगन को बेहोश? देखा सर, ये घसीटने के निशान है सर। यहां पे रखा गया था इस गगन को। ये वो क्या है, देखो जरा। गोबर की और दूध की स्मेल है सर इस भूसे में। दूध गोबर की स्मेल, मतलब गाय भैंसों का तबेला। मतलब सर इस गगन को तबेले में लटाया हुआ था। हाँ, भूसे के अंदर दबा के रखा होगा, बेहोश ही तो था वो, है ना? यस सर। शीत, पता लगा आसपास गाय भैंसों का तबेला कहां है। अरे यार, अरे मेरा बच्चा सोया नहीं, क्या कर रहा तू? नींद नहीं आ रही क्या? अरे बहुत बहुत रात हो गई, सो जा। अंकल जोकर बनी, जोकर डायपर गिला तो नहीं हो गया? ओ हो, मेरे बच्चे का डायपर गिला हो गया। अले ले। अभी अंकल आपका डायपर चेंज करेंगे। हाँ बच्चा, अभी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। नया डायपर, अब अंकल आपको पैंट पहनाएंगे। भूख लगी है? फ्रेश हो गया, फ्रेश। अंकल आएंगे, सब ठीक कर देंगे। यार अभिजीत, आप मुसीबत में फंस गया हूँ यार। नहीं, कोई खतरा नहीं। ये बच्चा अपना यार, ये सोने रहा है, रोए जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ, थैंक्स यार, आ जाए। अभी अभिजीत अंकल आएंगे। अरे भैया, आजकल तुम्हारे दूध में बड़ी मिलावट हो रही है। क्या बात करते हो भैया, मेरे तबेले के दूध में मिलावट, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको गलत फहमी हुई भैया। गलत फहमी नहीं, जो सच है वही कह रहा हूँ। अरे 20 साल से मेरा तबेला है मेरे बाप। सर, बंगलों के आसपास सिर्फ यही एक तबेला है। हो सकता है गगन को बंगलों में रखने से पहले गगन को इस तबेले में रखा गया। देखो, अगर तुम मुझसे इस तरह से बात करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। क्या हो रहा है भाई साहब यहाँ पे? आपको देखकर लगता नहीं साहब आप दूध लेने आए हो। सही बजाना, हम लोग CID से। CID? अच्छा हुआ साहब आप लोग यहाँ पर आ गए। ये आदमी अपने दूध में मिलावट करता है। दूध में मिलावट करता? ये झूठ बोल रहा है साहब। नहीं साहब, आप चाहे तो चेक कर लो। ठीक है, हम निपटते हैं, तुम जाओ। हाँ साहब, मैं जा रहा हूँ, पर इस आदमी को आप छोड़ना मत। हाँ तुम जाओ, नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ये बताओ कि गगन का नाम सुना है तुमने? मैं किसी गगन को नहीं जानता। फोटो दिखाओ सर। ये गगन, जानते हो इसे? 3 दिन पहले इसका खून हुआ है। मैंने इस आदमी को कभी देखा साहब। देखो, मारने से पहले इसे जहाँ रखा गया था उस जगह पे हमें भूसा मिला है, पर भूसा सिर्फ तबेले में हो सकता है। वो कोई दूसरा तबेला हुआ साहब, कसम से। ठीक है, हमारे लोगों से पूछ लेते हैं। चलो जरा, इसको देखा है कभी? नहीं देखा। ध्यान से देखो। नहीं साहब। आगे देखते हैं। सुनिए जरा, मैं नहीं पहचानता। अरे भाई साहब सुनिए जरा,
इसको कभी देखा है? नहीं साहब। देखो जरा इसे गौर से देखो, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? पसीने वो क्या सर, की गर्मी बहुत है ना। सर्दी के महीने में तुम्हें गर्मी लग रही है? वो साहब वो मैं क्या सीधी तरह बोलता है, झापड़ दो। नहीं साहब, मैंने इसे नहीं मारा साहब, मैं तो इसे बंगले पर छोड़ कर आया था साहब। अरे सर, मुन्ना तो बोल पड़ा। कौन से बंगले में छोड़ा उसे? बंगला नंबर 26 पर साहब। बंगला नंबर 26 में, जहाँ से गगन की लाश मिली थी। तुमने गगन को जिंदा छोड़ा या उसकी लाश छोड़ी वहाँ पे? जिंदा लेकर गया था साहब, पर साहब वो बहुत शराब पिए हुए था। तुमने उसको किसी कहने पे छोड़ा था? एक आदमी ने मुझे पैसे दिए थे, कह रहा था ये उसका दोस्त है, शराब बहुत ज्यादा पी ली है, इसलिए मैं उसे बंगला नंबर 26 पर छोड़ा हूँ। ये जिस आदमी ने तुम्हें पैसे दिए, ये सब करने को उसकी शक्ल तो देखी होगी? वो सांवला था साहब, और उसका कद करीब 5 फुट 10 इंच का रहा होगा। उसके मूंछ थी साहब, और दाएं आंख के नीचे एक घाव का निशान था साहब। दाएं आंख के नीचे घाव का निशान? जी। एक मिनट, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहा? हाँ साहब हाँ, इसने मुझे 1,000 रुपए दिए थे इन साहब को बंगला नंबर 26 पर छोड़ने के लिए साहब। इसका मतलब गगन और प्रभात एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। ये कब की बात है? ये 3 दिन पहले की बात है, रात के करीब 2 बजे थे। रात के 2 बजे तुम घूमते रहते हो? साहब दूध की गाड़ी का डीजल खत्म हो गया था, तो मैं गाड़ी को सड़क पर लगाकर दोस्त के पास गया था डीजल लेने। जब वहां से आया तो ये साहब ने मुझे पैसे दिए अपने दोस्त को घर पहुंचाने के लिए साहब। सर ये अजीब बात है, गगन वहां पैसे लेके इंतजार कर रहा था किडनैपर का, किडनैपर वहां नहीं आता है, वहां आता है प्रभात, पैसे का बैग वहीं छूट जाता है, उसके बाद प्रभात गगन को लेके चला जाता है। पर प्रभात गगन को उसके बाद बेहोश करता है और इसके हवाले कर देता है ताकि ये उसे बंगला नंबर 26 में छोड़ सके। ये केस तो उलझता जा रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं कि ये किडनैपिंग दया सर को फंसाने की प्लानिंग का हिस्सा है? क्या यार दया, इतनी टेंशन हो गई मुझे फोन करके बुलाना पड़ा। एक बच्चे को नहीं संभाल सकता यार। अरे ले ले ले, अरे यार सुबह से दूध पिला पिला कर नाक में दम आ गया मेरे। ओ चुनो। एक छोटी सी बात है यार, छोटी सी बात में नाक में दम। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं। अरे जरा ये देखो यार, पता नहीं क्या हुआ, शायद दूध नहीं आ रहा है। दूध नहीं आ रहा है? अरे यार मैं आ गया हूँ ना, इसमें क्या है? दूध नहीं आ रहा? समझ में? हाँ हाँ कुछ नहीं है इसमें। कुछ नहीं है कुछ नहीं है, मैं आपके लिए दूध मंगा देता हूँ। दूध बना देता। क्या कर दिया? क्या कर दिया आपने? अरे यार ये सोने का नाम ही नहीं लेता, हर 2 मिनट उठ जाता है। नहीं नहीं मैं दूसरा दूध बना देता हूँ। और कपड़ा कहाँ है, फर्श भी साफ कर देता हूँ। वहाँ वहाँ सामने कुछ 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 बना देता है, मैं बना देता हूँ, अभी बना देता हूँ दूसरा दूध। सुबह से 10 बार फर्श साफ कर चुका हूँ यार मैं। ओले 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 ओले। बम 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 या अभिजीत अंकल आए हैं बम बम बम, दूध लेके आए हैं बम बम बम। यार दूध गर्म तो किया ना? अरे और नहीं तो क्या यार, क्या बात कर रहा है, गर्म करके लाए हो यार। नहीं एक बार देख लो, लेने के देने नहीं पड़े। ज्यादा गर्म नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे बच्चे का दूध कहाँ पी रहा है? बढ़िया यार बढ़िया, पिला दे सो जाएगा, बढ़िया पिलो, बहुत बढ़िया। बाबा भी चुपचाप सो जा। अरे यार दया इसको कोई गाना वाना सुना यार। तीन दिन हो गए यहाँ पे बैठे बैठे, न सोने का ठिकाना न खाने का, बिस्किट खा के दिन निकाल रहा हूँ। कभी फोन करके वाइफ परेशान करती है, तो कभी बड़े बड़े मच्छर। सोच रहा हूँ दया सर का क्या हुआ होगा, खबरी आएगा कि नहीं। साहब कोई तो आ रहा है। भगवान करे खबरी हो।
बर्तन बेचने वाला? ये बर्तन बेचने वाला इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है? तो कहीं ये बर्तन बेचने वाला हेमंत ही तो नहीं है जो भेष बदल कर आया है? हो सकता है। ये तो घर में घुस गया। विवेक एक काम करो, एसीपी साहब को फोन करो, उनसे पूछो क्या करना है। हेलो सर, सर अभी अभी एक आदमी घर के अंदर घुसा है सर, और हमें शक है कि वो हेमंत ही है। सर आप लोग आ रहे हैं ना? ठीक है सर, हम लोग बाहर ही इंतजार करते हैं। सर आदमी को देखा क्या? कैसा चश्मा बना के दिया है, सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। कल गर्लफ्रेंड के साथ चलते चलते अचानक गिर गया मैं, कितनी बेइज्जती हुई मेरी। जो नंबर दिया था उसी का ग्लास बना के दिया है, धुंधला नजर आ रहा है तो इसमें मैं क्या करूं, नंबर बढ़ गया होगा तुम्हारा। मैं कुछ नहीं जानता, पूरे 10,000 रुपए दिए मैंने समझे, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। देखो अभी दुकान बंद करने का टाइम हो गया, तुम कल आके मिलना। कल आके मिलना? मैं तो बाद में देखूंगा। भाई साहब चश्मे खरीदना मत, यहाँ से कुछ मत खरीदना। आइए आइए आइए, क्या दूँ आपको, स्पेक्स या सनग्लासेस? मेरी मानिए आप पे ब्लैक सनग्लासेस बहुत जमेंगे। हम लोग गॉगल लेने नहीं आए बल्कि पूछताछ करने आए। पूछताछ करने? जी हाँ, एक खून के सिलसिले में पूछताछ करने आए। खून? जरूर आप पुलिस या CID से होंगे। जी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, हम लोग CID से ही है। किसी भी खून से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमने कब कहा कि आपका खून से कोई लेना देना है? वो दरअसल साथी को देखो गौर से, जानते हो इसे? ये तो प्रभात है ना? जी हाँ ये प्रभात ही है, आप जानते हैं इसे? हाँ रेगुलर कस्टमर है हमारा, यही पास में रहता है। पास में कहाँ रहता है? यहाँ से सीधा जाके आगे जो सुपरा नगर है, सुपरा नगर में बाईं तरफ का तीसरा बंगला। सुपरा नगर में बाईं तरफ का तीसरा बंगला? निखिल अब तक हमें प्रभात की लाश नहीं मिली है, इस घर का कोना कोना छान मारो, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो डेड है। बच्चों का झूला और ये बच्चों के खिलौने, इसका मतलब बच्चे को किडनैप करके यहां रखा गया था और इसीलिए गगन को भी यहां लाया गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैसों से भरा बैग वहीं पे क्यों छोड़ के चला गया। शीशी में तो शायद ड्रग था, कहीं इसी ड्रग से गगन को बेहोश तो नहीं किया गया? नहीं ऐसा तो नहीं कि गगन ने सोचा हो कि पहले ये देख लो कि बच्चा सही सलामत है कि नहीं। मगर इस सारे फसाद की जड़ वो प्रभात की लाश अभी तक नहीं मिली, दया सर भी पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए, भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। सर ये देखिए सर, शीशी में शायद ड्रग था, सर हो सकता है गगन को इसी ड्रग से बेहोश किया गया हो सकता है। और ये देखो बच्चों के खिलौने, बच्चे को किडनैप करके यहीं पे रखा गया था दया सर के घर पहुंचाने से पहले। मगर सर इस बच्चे को दया सर के घर पहुंचा के किसी को क्या मिलेगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि किसी ने मासूम बच्चे को किडनैप करके उसकी माँ से जुदा किया और फिर दया सर के घर पहुंचाया, लेकिन ये गिरी हुई हरकत कर कौन सकता है?
और इस हरकत के पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है? सर आ गए। विवेक, वो बर्तन वाला आदमी अभी भी घर के अंदर है? हाँ सर, अंदर ही है सर। उसके साथ कोई और भी था या अकेला था? अकेला। घर का कोना कोना छान मारो, देखो कहीं पर छुप कर बैठा होगा वो। अभिषेक, मुझे तो ये हेमंत लगता है, दया का कमरे देखो जरा। हाँ सर, ये तो हेमंत है, गोली मारी है, गोली अभी भी अंदर है सर, एग्जिट वुंड नहीं है। ये कौन है? अभिषेक जरा पलटाओ इसे। माय गॉड, ये तो प्रभात है। मगर सर, प्रभात को तो दया ने वहां उस एनआरआई के बंगले पे गोली मारी थी जहां पे हमें गगन की लाश मिली थी। ये तो अभिषेक, समझ में ये नहीं आ रहा है कि प्रभात को एनआरआई बंगले में मारा है और उसकी लाश यहाँ हेमंत के घर में, ये क्या हो रहा है, ये चक्कर क्या है? सर, इसके हाथों और गर्दन पे खरोच के निशान है सर, ये देखिए सर, शायद इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। लेकिन सर, दया के साथ इसके हाथापाई हुई नहीं है, दया ने सिर्फ इसे गोली मारी थी सर। तो फिर गोली की आवाज कैसे नहीं सुनाई पड़ी? तुम दोनों गोली की आवाज नहीं सुनी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर हम दोनों ने गोली की आवाज सुनी होती तो हम लोग तुरंत अंदर आ जाते। सर, खूनी घर के अंदर ही था, जैसे ये हेमंत घर के अंदर आया इसे गोली मारी और भाग गया। लेकिन अभिजीत है कौन ये जिसने ये खून किया है? और अगर वो यहाँ से भागा है तो भागा कैसे? और अगर भागा है, माय गॉड, सर हमें जल्दी से जल्दी खूनी को ढूंढना होगा, नहीं तो दया की मुसीबतें और बढ़ती जाएंगी सर। हाँ अभिजीत, खूनी को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, जल्दी से जल्दी। आइए आइए, आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। आप लोग वो कहानी सुनेंगे तो खुशी के मारे डांस करने लगेंगे। ये हो क्या गया तुम्हें सालों के? क्यों? डीसीपी साहब हमारे जान के पीछे पड़े हैं, दया पर खून का इल्जाम है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे पर क्या पर है? आप लोगों की हमारी फिक्र नहीं है क्या? आपको सिर्फ मुर्दों से प्यार है, जिंदा आदमी से नहीं। अभिजीत, इन मुर्दों ने मेरे कान में ऐसी कहानी सुनाई है कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी इन मुर्दों से प्यार करने लगेंगे। अरे तो फिर बताओ ना, क्या बताया तुम्हें मुर्दों ने? इस प्रभात के मुर्दे ने मेरे कान में यह कहा है कि इसे दया ने नहीं, किसी और ने मारा है। क्या, ये कैसे हो सकता है? दया ने खुद बताया कि उसने प्रभात को मारा है। नहीं अभिजीत, इस प्रभात की मौत हेमंत के मौत से 4 घंटे पहले हुई। क्या, 4 घंटे पहले हुई है? हाँ, 4 घंटे पहले। और तो और बॉस, ये गोली जो मुझे इस प्रभात की बॉडी में से मिली है, ये दया की गन से नहीं चली। अगर ये गोली दया सर के गन से नहीं चली तो फिर किसके गन से चली है? ये गोली उस गन से चली है जिससे इस हेमंत को मारा गया है। इसका मतलब है हेमंत और प्रभात, इन दोनों को एक ही आदमी ने मारा है, एक ही आदमी ने। मतलब सर, ये प्रभात ये 2 बार कैसे मर सकता है? अगर दया ने 3 दिन पहले इसे मारा है तो ये फिर से कैसे मर गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब दया सर ने प्रभात पर गोली चलाई थी तब वो गोली प्रभात को लगी ही ना हो? हाँ विवेक, ऐसा ही हुआ। प्रभात पर जो गोली दया ने चलाई वो गोली प्रभात को लगी ही नहीं। सर, अब तो डॉक्टर साळुंखे ने भी बता दिया है, प्रभात को जो गोली लगी थी वो दया के गन से नहीं चली है। मतलब सर, दया ने किसी को भी नहीं मारा है। बिल्कुल अभिजीत, पहले खूनी ने गोली चलाई गगन पर दया की गन से, और फिर प्रभा और हेमंत पर गोली चलाई अपने खुद के गन से। मतलब सर, हेमंत, गगन और प्रभात तीनों का खूनी कोई एक ही है। हाँ। और सर, ये जो कोई भी है दया सर को जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए रास्ते में इतनी अड़चने डाल रहा है। और ये गगन के बच्चे को भी उसने दया सर के घर पे जानबूझ कर रखा था। और ये खून, ये किडनैपिंग उनको फंसाने के लिए किए गए सर। पर सर, ये खूनी है कौन?
जो किसी भी कीमत पर दया सर को फंसाना चाहता। विवेक, हर बहादुर सीआईडी ऑफिसर के पीछे ढेर सारे दुश्मन लगे रहते हैं, वैसे दया के पीछे भी ये लगा है। काजल एक काम करो, पिछले 14 साल जितने भी केसेस में दया पर इल्जाम लगे हैं और फिर जितने भी मुजरिमों को दया ने सजा दिलवाई है, उन सब के रिकॉर्ड्स निकालो। पता चल जाएगा है कौन ये जो दया को फंसाने पर तुला है। जो बेटा बड़ा सियाना, गाके गाना है तुझे सुनाना। दरवाजा खोलो कोई। अंकल जाके दरवाजा खोलेंगे। ओके खोलिए, दरवाजा खोलो कोई प्लीज। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। आ रहा हूँ, एक मिनट। कहाँ है मेरा बेटा? आप यहाँ क्या कर रही? मेरा बेटा कहाँ है? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि आपका बेटा कहाँ है। देखिए सर, आप प्लीज मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। उसको देखने के मेरी आंखें तरस रही सर। वो यही है ना? आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? आपका बेटा यहाँ पर नहीं है। सर आप जानते हैं मेरा बेटा कहाँ है, क्योंकि जब मेरे पति की मौत हुई थी तो उस वक्त आप वहीं पर थे ना। आप जानते हैं ना मेरा बेटा कहाँ है? आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं मान रही है? मुझे नहीं मालूम आपका बेटा कहाँ है। सर वो मेरी जिंदगी है, उसके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती सर। प्लीज मुझे बता दीजिए। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो फिर मेरी मौत की जिम्मेदार भी आप ही होंगे। मैं अपनी जान दे दूंगी यहीं पे। मैं यही अपनी जान दे दूंगी। अब ये क्या पागलपन? सीआईडी आपके बच्चे को ढूंढ रही है और बहुत जल्द सही सलामत आपके बच्चे को आप तक पहुंचा देंगे। आप एक आदमी है ना, आप क्या जानेंगे एक माँ की ममता क्या होती है? अगर मेरा बच्चा इसी वक्त मुझे नहीं मिला तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगी। मेरा बेटा मुझे वापस दे दीजिए सर। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज सर, प्लीज सर। आप पहले उठिए। मेरा बेटा वापस दे दीजिए आप। देखिए प्रीति जी, आपका बच्चा सही सलामत है, ठीक ठाक है मेरे पास। मेरा बेटा आपके पास ही है ना, मैं उसको मिल सकती हूँ अभी? आइए मैं दिखाता हूँ। जी चलिए चलिए। मानत, मेरा बच्चा। भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि तुझे कुछ नहीं हुआ। सर, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब वाकई में बहुत अच्छे इंसान है। अब मुझे यकीन हो गया, मेरे पति का खून आपने नहीं किया। मैंने आपके पति को नहीं मारा। वैसे बहुत जल्द हम लोग आपके पति के खूनी को ढूंढ लेंगे। मुझे मेरा बच्चा मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब अपने बच्चे के साथ खेलिए, मैं तब तक चाय लेके आता हूँ आपके लिए। सर, ये देखिए, इस फाइल को देख के लगता है कि दया सर को फंसाने की वजह इस केस से जुड़ी है सर। ये केस? सर ये तो वही केस है जिसमें दया ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अभिजीत, मुझे अच्छी तरह से याद है, इस केस में जो आदमी मरा था उसका एक बच्चा भी था, 14-15 साल का उस वक्त। इसका मतलब सर वो अभी 28-29 साल का होगा। कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जब दया से अपनी बाप की मौत का बदला ले रहा? सर लेकिन इस फाइल में तो लिखा है कि दया सर बेकसूर है। सचिन, लिखा हुआ कुछ भी हो लेकिन जब किसी के दिल में किसी के बारे में दुश्मनी बैठ जाती है तो बैठ जाती है, वो बदला लेकर ही रहता है। इस बच्चे के दिमाग में ऐसा ही जहर घुसा है दया के खिलाफ। विवेक, आपके केस के सारे फोटोग्राफ्स लेकर आओ। यस सर। क्या हुआ? अभी जी, तुम फोटोग्राफ्स में कुछ तो है, कुछ तो है जो हमने मिस किया है। ये देखो है ना? इसका मतलब सर? इसका मतलब है अभिजीत, दया को फंसाने में किसी एक का हाथ नहीं बल्कि और भी लोग मिले हुए हैं उसमें।
ये क्या कर रही हो तुम? ये कोई तरीका बच्चे से खेलने का? और ये चाकू तुम्हारे पास कहाँ से आया? मेरा बच्चा है, जैसे सुलाओ, तुम्हें इससे क्या? और ये चाकू कहाँ से आया ये तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती। काम करो, दया को फोन करो। क्या हुआ? सर दया का फोन बंद आ रहा है। दया का फोन बंद आ रहा है? मगर दया का फोन कभी बंद होता ही नहीं। वही तो, कहीं दया सर किसी तरह की मुसीबत में तो नहीं फंस गए? अभिजीत, इसी वक्त दया के घर चलते हैं। ये चाकू मुझे दे दो, बच्चे को चोट लग जाएगी। पीछे रुक, पागल हो गई हो क्या तुम? चुप हो जाओ वरना। देखो, मानत को कुछ मत करना तुम, समझी? तुम इसकी माँ हो और मैं इसकी माँ, मैंने इसको जन्म दिया है और मेरा पूरा हक है इसको मारने का। तुम अपने बच्चे को मारने की बात कर रही हो? एक माँ होकर तुम ऐसी बात करे? मैं मजाक कर रही थी, मैंने इसे जन्म नहीं दिया है, मैं तो इसे अनाथ आश्रम से चुरा कर लाई। और ये जिए या मरे मुझे इससे क्या? देखो, अब इस बच्चे को कुछ मत करना प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये लोग कौन फायर कर रहे हैं सर? दोनों के अभी लगता है दया को फंसाने वालों में सही है। बोलियो की आवाज, लगता है मेरे साथ ही आ गए। अब तुम्हारे साथियों की खैर नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है बाहर। गोली चूकर निकल गए। आप मुझे कवर दो, मैं पीछे से जाता हूं सर। बेहतर यही होगा कि चाकू मुझे दे दो। नहीं प्रीति, ये चाकू मुझे दे दो। नहीं दूंगी मैं, पीछे हटो। जतिन, माला, तुम लोग? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, ये चाकू मुझे दे दो। पीछे हटो तुम। मान लो दया की बात और दे दो अपना चाकू। बोलो, क्यों फंसाना चाहती थी तुम मुझे? क्योंकि तुमने एक निर्दोष की जान ली है। मैंने निर्दोष की जान ली? किसकी बात कर रही हो तुम? आज से 14 साल पहले की बात है। जल्दी महेश की बेटी? हाँ, मैं 15 साल की थी जब तुमने मेरे पापा को गोली मार दी, तब से बदले की आग में जल रही हूँ। दिन रात मेरे दिमाग में यही बात चलती रही, इंस्पेक्टर दया की मौत। अदालत ने मुझे बेगुनाह मान लिया था। अदालत वदालत मुझे कुछ नहीं समझ आता है, मुझे तभी सुकून मिलेगा जब तुम्हें मैं ऊपर भेज दूंगी। तो मुझे मारकर तुम्हारे पापा वापस आ जाएंगे? ये क्या समझेगी दया, तुमसे बदला लेने के लिए इसने अपने पति तक का खून कर दिया है। वो मेरा पति नहीं था, वो उस खबरी हेमंत का दोस्त था बस। हेमंत का दोस्त? और प्रभा, जब दया ने उस पर गोली चलाई तब उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, है ना? जब दया को लगा कि प्रभात मर चुका है तो वो फोन लेकर दूसरे कमरे में गया। जाओ गगन को लेकर आओ।
उस दिन तुम्हें बेहोश करने के बजाय मैंने मार दिया होता तो मेरा बदला पूरा हो जाता। हाँ, बदला पूरा हो जाता शायद, मगर मैंने तुम्हारे और प्रभात के घर के फोटो देखे और तुम्हारे घर के फोटो में वही बच्चे का खिलौना देखा जो प्रभात के घर में भी था, और तुम्हारा प्लान मेरे समझ में आ गया, और तुम्हारे इस प्लान में तुमने अपने भैया और भाभी को भी शामिल कर लिया। वार, ये मेरे भैया भाभी नहीं है। ओहो, तो ये भी असली भैया भाभी नहीं है, है? चलो, असली हो या नकली कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे साथ ही तो है ना। तुम तीनों ने मिलकर तीन खून किए हैं, तीन तीन खून, सजा भी भुगतना, वो भी फांसी। ये 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 इधर 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 ये सर, ये बच्चा कितना प्यारा है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। हाँ, इसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा, इसे कहाँ लेके जाना है। मैंने सोच लिया सर, ये बच्चा कहाँ जाएगा। कहाँ जाएगा सर? बच्चा एडॉप्शन एजेंसी में जाएगा। एडॉप्शन एजेंसी? हाँ, एडॉप्शन एजेंसी। मगर सर, बच्चा तो दया के पास जा रहा है सर। एक्चुअली दया के इतना अटैच्ड हो गया इस बच्चे के साथ कि उसके बगैर जी नहीं सकेगा सर। हाँ सर, और ये बच्चा भी दया सर के बिना रह नहीं सकता। ओ, मैं कहाँ आ गया हूँ? CID ब्यूरो। ये ब्यूरो है? जी हाँ। मुझे तो लगा मैं किसी आश्रम में आ गया हूँ जहाँ पे प्रवचन चल रहे हैं। सर, सच बात आपको प्रवचन लगी? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इस बच्चे से दया को लगाव हो गया है। इसका मतलब है हर केस के आखिरी में यही होने वाला है, जो कोई बच गया CID को उससे लगाव हो गया। दया सर ने इस बच्चे को बहुत प्यार से पाला पोसा है सर, ये इस बच्चे को एक मिनट के लिए भी अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने देते सर। मतलब दिन रात बच्चे को देखते रहोगे? हाँ सर। और काम कौन करेगा? तुम इसके लिए खाना बनाओगे, अभिजीत उसकी चड्डी बदलेगा, विवेक चड्डी धोएगा, और ये पूर्वी ये इसे थपथपाएगी, और जब ये सोएगा नहीं तो ACP साहब दादाजी उसको लोरियां सुनाएंगे। CID चलानी है तो दिल पत्थर का होना चाहिए, समझे? पत्थर का। चलो लंगोट कस लो, काम पे निकलो। लाओ ये बच्चा इधर दो। सर प्लीज सर, ये बच्चा मेरे साथ जाएगा सर, प्लीज सर, डोंट बी सो क्रूर। ये बच्चा मेरे जीने का मकसद है सर। अरे कोई है क्या इधर? ये आंसू निकल रहे हैं। ये आंसू बहते तो बहने दीजिए सर, एक बाप से उसके बच्चे को छीन लिया जाए तो उसका गम क्या होता है, शायद आपके समझ के बाहर है सर। तो जिसके नाम से अपराधी थर थर कांपते हैं उस इंस्पेक्टर दया की आंख में आंसू। सर प्लीज सर, माना हम लोग दिन रात अपराधियों से उलझे रहते हैं, लाशों और मुर्दों की बातें करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर का इंसान मरा नहीं है सर। मैं ज्यादा देर यहां रहूंगा तो सन्यासी बन जाऊंगा। चलो बच्चा इधर दो, इधर दो, बच्चा पालने चले हैं। अरे तुम लोगों की जिंदगी का कोई भरोसा है? कब गोली चलेगी, कब मर जाओगे? हाँ दया, अगर तुम्हें गोली लगी तो कौन देखेगा इस बच्चे को? सर मैं देखूंगा। ओहो, तुम क्या अमर हो? तुम्हें गोली नहीं लग सकती है? चलो बच्चा दो इधर। प्लीज सर, अरे हंसता रहना चाहिए, तुम लोगों का जो काम है वो करो। अरे ये क्या कर दिया? अरे, अरे ये क्या सिखा रखा है इसको? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.